हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शफीक। आप देख रहे हैं एमडी प्लस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको दो ऐसे एप्लीकेशन बताने वाला हूं जो जस्ट अभी प्ले स्टोर पर लॉन्च किए गए हैं। दोस्तों, ये दोनों एप्लीकेशन गारंटी कहते हैं कि मैं आपको लोन दूंगा। जी हाँ दोस्तों, वो भी विदाउट इनकम प्रूफ, विदाउट सैलरी स्लिप। तो दोस्तों, इन दोनों एप्लीकेशन के बारे में आपको जानना चाहिए, वरना आप इनके चक्कर में फंस जाओगे और आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, इसमें से एक एप्लीकेशन तो इतना घटिया है, इतना घटिया, अगर आप इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लोगे ना, चाहे आप यहाँ पे लोन अप्लाई करो या नहीं, केवल इंस्टॉल करने पर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, चलिए हम इन दोनों एप्लीकेशन के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं, ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, हम चलिए पहले एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। पहला एप्लीकेशन है दोस्तों, हैप्पी मोनिस। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम हैप्पी मोनिस इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस एप्लीकेशन को अगर आप इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है, इतना घटिया एप्लीकेशन है ये कि अगर आप इसको इंस्टॉल कर लोगे और यहाँ पे आप डिटेल अपनी दो या ना दो, ठीक है, इंस्टॉल कर लोगे बस। तो दोस्तों, ये क्या है, अगर इसको इंस्टॉल कर लेते हो तो जो भी आपके मोबाइल पे एसएमएस वगैरह आता है, कुछ भी आता है, तो सारा कुछ डिटेल ये जो है इनके पास चली जाती है। क्योंकि दोस्तों, जब आप इसको इंस्टॉल करोगे और उसके बाद जब इसको आप ओपन करोगे, तो ये परमिशन को अलाउ करने के लिए बोलेगा, तो आपको परमिशन को तो अलाउ करना पड़ेगा अगर आप इसको यूज करना चाहते हो। तो जब दोस्तों आप परमिशन को अलाउ कर दोगे ना, तो जो भी आपकी डिटेल है, एसएमएस है, यानी कि आपके मोबाइल का सारा कंट्रोल इनके हाथ में चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका ये एसएमएस वगैरह चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम कैसे होगी। मान लीजिए दोस्तों, आप यहाँ पे लोन को अप्लाई करते हो, तो आपको अपनी डिटेल यहाँ पे सारी देनी पड़ेगी, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड की डिटेल, पैन कार्ड की डिटेल, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, हर एक चीज आप यहाँ पे डाल देंगे। तब दोस्तों क्या है कि ये किसी भी वेबसाइट या किसी भी एप्लीकेशन में जो जहाँ पे मनी ऐड की जाती है, ठीक है, चाहे वो बहुत सारी साइट है, जैसे कि अमेजोन हो गया, पेटीएम, एयरटेल मनी, ऐसी बहुत सारी साइटें हैं जहाँ पे मनी ऐड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये लोग वहाँ पे जाते हैं और आपकी सारी डिटेल वहाँ पे डाल देते हैं। सारी डिटेल डालने के बाद दोस्तों, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर है तो आपके पास ओटीपी आएगा। और दोस्तों, जब आपका ओटीपी आता है, तो आप उनको ओटीपी बताएं या ना बताएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके मोबाइल कंट्रोल इनके हाथ में है और आपका एसएमएस खोल के ये चेक कर लेंगे ओटीपी कौन सी है, कैसी है, जो भी है, सब कुछ इनको पता चल जाएगा। ना ही आपको ओटीपी बताना पड़ा, ना ही कुछ, और आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए। तो दोस्तों, ये बहुत ही घटिया एप्लीकेशन है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग फ्रॉड कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन को कभी भी भूल के भी इंस्टॉल मत कीजिएगा। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक कस्टमर ने यहाँ पे रिव्यू दिया है, दिस ऐप आस्किंग फॉर डेबिट कार्ड नंबर एक्सपायरी डेट। यानी कि दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है, डेबिट कार्ड का नंबर एक्सपायरी डेट वगैरह मांगता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कोई भी अच्छा रिव्यू नहीं आया, सारा 1 रेटिंग दी गई है। ठीक है, इतना घटिया ये एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, भूल के भी इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल मत कीजिएगा। ठीक है, इसी वजह से दोस्तों, इस एप्लीकेशन को हमने भी इंस्टॉल नहीं किया है, केवल हमने प्ले स्टोर में आकर इसकी डिटेल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों हम आपको दूसरे एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, दूसरा एप्लीकेशन है पैरसो लोन इंस्टेंट पर्सनल लोन। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का नाम भी यहाँ पे है, पैरसो लोन सर्विस। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ, इस एप्लीकेशन में भी दोस्तों ये बहुत ही घटिया, बहुत ही फ्रॉड एप्लीकेशन है। यहाँ पे दोस्तों आपको लोन अप्लाई करने के लिए कोई भी डिटेल नहीं देनी पड़ती है, यानी कि जैसे कि सैलरी स्लिप, इनकम प्रूफ वगैरह कुछ भी नहीं देना पड़ता है, केवल मोबाइल नंबर आप दे देंगे। यहाँ पे पासवर्ड आपको एक क्रिएट करना पड़ता है, और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो भी है लोन एलिजिबिलिटी वगैरह चेक करना पड़ता है, अपना मोबाइल नंबर डाल के, नाम वगैरह, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, जो भी यहाँ पे आपसे मांगा जाता है आप दे देते हैं। तो यहाँ पे आपको 50,000, 1 लाख, 50 लाख, इतने बड़े बड़े अमाउंट में आपको एलिजिबल कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इतना ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट, क्योंकि जो जेन्युइन एप्लीकेशन होते हैं, आपको 3,000 से ज़्यादा कभी भी अमाउंट नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये आपको 50,000 का अमाउंट, 1 लाख का अमाउंट, 2 लाख का अमाउंट, ऐसे ही एलिजिबल कर देते हैं। और उसके बाद आप सोचोगे, अरे यार, इतना ज़्यादा अमाउंट हमें यहाँ पे एलिजिबल किया गया है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको ना ही इनकम प्रूफ, ना ही सैलरी स्लिप, कोई भी कुछ भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको इनकम प्रूफ की नहीं मांगी जाती है। दोस्तों एंड में आपको क्या होता है, यहाँ पे मांगने लगते हैं कि आप यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस पे कीजिए। ठीक है, कुल मिलाकर दोस्तों बात वहीं पे आके अटक जाती है, जैसे कि ये उन्हीं लोगों का एप्लीकेशन है। जैसे कि फास्ट एप्लीकेशन आया था, लोन एप्लीकेशन आया था, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन ये लोग लॉन्च कर चुके हैं। दोस्तों एंड में कहते हैं कि आप हमें प्रोसेसिंग फीस दीजिए। जैसे ही आप इनको अपना जो इनका प्रोसेसिंग फीस वगैरह है पे करते हैं, तो आपका ना ही ये फिर कॉल उठाएंगे, ना ही आप इस एप्लीकेशन में कोई भी कॉन्टैक्ट वगैरह इनसे कर पाओगे। यानी कि आपका जो पैसा आप पे करेंगे प्रोसेसिंग फी के नाम पे, दोस्तों वो आपका डूब जाता है और आपको यहाँ पे कोई भी लोन वगैरह नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये दोनों एप्लीकेशन बहुत ही घटिया है, बहुत ही बेकार है। अब दोस्तों कुल मिला के इन दोनों एप्लीकेशन के बारे में हमने आपको बता दिया, तो आपको पता चल गया।
दोस्तों मान लीजिए मेरे थ्रू या किसी और यूट्यूबर के थ्रू आपको किसी भी एप्लीकेशन के बारे में पता चलता है कि ये फेक है, तो आप उसको इंस्टॉल नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कुछ एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आ जाते हैं और उसके बारे में आपको पता नहीं है, वीडियो भी कोई यूट्यूबर उसके बारे में नहीं बनाया है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये फेक है या जेन्युइन एप्लीकेशन है। तो दोस्तों ऑलरेडी मैं इसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो आप जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। उस वीडियो में हमने कंप्लीट आपको बताया है कि आप कैसे पता करेंगे फेक एप्लीकेशन है या जेन्युइन एप्लीकेशन है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में मेरा यही मकसद था कि आप लोगों को बता सकूं कि इन दोनों फेक एप्लीकेशन के बारे में, ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो सके। दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी आती है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई ऐसी यूजफुल जानकारी की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।